ओम शांति। आज है 29 जनवरी 2021, मुरली का सार, मीठे बच्चे, ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर अर्थात सर्वधर्म पिताओं का भी आदि पिता है प्रजापिता ब्रह्मा, जिसके ऑक्यूपेशन को तुम बच्चे ही जानते हो। प्रश्न, कर्मों को श्रेष्ठ बनाने की युक्ति क्या है? उत्तर, इस जन्म का कोई भी कर्म बाप से छिपाओ नहीं, श्रीमत के अनुसार कर्म करो तो हर कर्म श्रेष्ठ होगा। सारा मदार कर्मों के ऊपर है। अगर कोई पाप कर्म करके छिपा लेते तो उसका 100 गुना दंड पड़ता, पाप वृद्धि को पाते रहते, बाप से योग टूट जाता, फिर ऐसे छिपाने वालों की सत्यानाश हो जाती। इसलिए सच्चे बाप के साथ सच्चे रहो। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला, सच्चे बाप के साथ सदा सच्चा रहना है, बाप पर पूरा पूरा बलिहार जाना है। दूसरा, ज्ञान को धारण कर बुद्धिवान बनना है, अंदर से हड्डी व जिगरी खुशी में रहना है, कोई भी श्रीमत के विरुद्ध काम करके खुशी गुम नहीं करनी है। वरदान, ज्ञान की गुह्य बातों को सुनकर उन्हें स्वरूप में लाने वाले ज्ञानी तू आत्मा भव। ज्ञानी तू आत्माएं हर बात के स्वरूप का अनुभव करती हैं। जैसे सुनना अच्छा लगता है, गुह्य भी लगता है, लेकिन सुनने के साथ साथ समाना अर्थात स्वरूप बनना, इसका भी अभ्यास होना चाहिए। मैं आत्मा निराकार हूँ, यह बार बार सुनते हो, लेकिन निराकार स्थिति के अनुभवी बनकर सुनो। जैसी पॉइंट्स वैसा अनुभव, इससे शुद्ध संकल्पों का खजाना जमा होता जाएगा और बुद्धि इसी में बिजी होगी तो व्यर्थ संकल्पों से सहज किनारा हो जाएगा। स्लोगन, नॉलेज एवं अनुभव की डबल अथॉरिटी वाले ही मस्त फकीर रमता योगी हैं। ओम शांति।